हे गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से एक और नई फ्रेश और कमाल ब्लॉग में आपका। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत ही करते हैं। मैं हूँ घर ही पे, करीब 9 बजे का समय हो रहा है। सुबह के जो अपने रूटीन होते हैं, डेली वर्क होता है जो सुबह, वो तो निपटा लिया है। अब देखते हैं और दिन भर क्या क्या हो सकता है घर पे। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं और पहाड़ों के ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत ही करते हैं आज की और देखते हैं दिन भर क्या क्या हो सकता है। पहले मौसम दिखाता हूँ, नज़ारे दिखाता हूँ सुबह सुबह के, आज कैसा मौसम बना हुआ है। फ्रंट व्यू की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे आ रहे हैं आज, देखिए। तो व्यू देखा ना, नज़ारे देखे कैसे लगे कमेंट में ज़रूर शेयर करेगा। आसमान में क्लाउड आए हुए हैं, मौसम ठीक है। रात को तो अच्छी खासी बारिश हुई है, करीब 2-3 घंटे रात मस्त बारिश हुई। अभी मौसम बिल्कुल ठीक है, धूप भी आ रही है इस समय और ज़्यादातर आसमान में क्लाउड ही छाए हुए हैं। तो मौसम काफ़ी सुहावना, सुकून भरा मौसम बना हुआ है और काफ़ी अच्छा हो रहा है काम करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। तो दोस्तों, घर के काम शुरू हो गए हैं और जहाँ तक कामों की बात है, घर वाले तोड़ रहे हैं नाशपाती। मैं भी आया हूँ खेत पे, नाशपाती तोड़ के उन्होंने तो घर पे पहुँचा दी है। अब जो टूट के अपने आप गिरी है, जो ज़मीन पे गिर गई है, थोड़े बहुत दिन में दाग हो रखे हैं और जो चिड़िया वगैरह ने खा के ज़मीन पर गिरा रखी है, उनको उठा के लेने के लिए आया हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से है जो ये नाशपाती वेस्ट हो रखी है, गिर रखी है। ये जो देख रहे हैं आप, ये पक्षियों ने खा रखी है। जैसे तोता है वो सबसे ज़्यादा खाता है इनको, और थोड़ा गिर रखी है, बाकी तो पूरे पेड़ की तोड़ के घर वाले घर पे ले गए हैं। इनको ले जाता हूँ, ये हमारे यूज आ जाएगी, गाय को काट काट के खिलाएंगे। ये पूरे पेड़ से नाशपाती तोड़ ली है घर वालों ने और घर पे पहुँचा दी है। मैं भी ले जाता हूँ, ये जो गिरी हुई बची हुई हैं इनको ले जाता हूँ। आजकल बहुत मेहनत भरा काम हो रहा है दोस्तों पहाड़ों में, बहुत वाट भी लग रही है, बहुत सारे काम होते हैं आजकल, खेतों से लेके फल फूल से लेके बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि मेन सीज़न यही रहता है हम लोगों का बरसातों का, जिसमें हम बहुत तरह की सब्जियां लगाते हैं, बहुत तरह की सब्जियां खोदते हैं और बीन्स राजमा वगैरह ये चीज़ें बोते हैं। तो काम धंधे वाले दिन हैं, काम करते हैं घर का। और देखिए नज़ारे फ्रेंड, क्या खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। आसमान में मस्त क्लाउड और पूरे चारों तरफ हरियाली, जो कि मन को काफ़ी आकर्षित कर रही है और काफ़ी मस्त व्यूज आ रहे हैं। तो फ्रेंड, सीन अभी ऐसा है, मैं आ चुका था कसलिंग मार्केट की तरफ घर से। यहाँ पे इसलिए आया हूँ, रोड पे हूँ अभी, क्योंकि सरिया आने वाली है हमारे घर के लिए, तो उसी का वेट हो रहा है। गाड़ी बस पहुँचने वाली है तो सरिया अनलोड करनी पड़ेगी गाड़ी से और फिर दिन में ढुलाई करनी पड़ेगी घर पे। तो अभी सरिया फिलअप कर लेते हैं, यानी अनलोड करते हैं गाड़ी से, गाड़ी बस पहुँचने ही वाली है। तो यही हमारी वो रोड है जहाँ पर हम अपना मटेरियल रखते हैं जो हमारा आता है हल्द्वानी से, तो उसको यहाँ पर अनलोड करेंगे सरिया को। सामने की तरफ से गाड़ी आ चुकी है, बस यहाँ पर पहुँचती है, सरिया अनलोड करते हैं फिर चलूँगा घर को। और यहाँ से देखिए जो व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, मस्त नज़ारे, ऑसम व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो आ चुकी है फ्रेंड, फाइनल फ्रेंड, सरिया हमने अनलोड कर दी है गाड़ी से। 3 बंडल हैं तो ये आप यहाँ से ढोलनी है घर पे। थोड़ा सा मेहनत भरा कार्य है लेकिन पहुंच जाएगी धीरे धीरे घर पे। अभी तो फिलहाल मैं इस बंडल को लेके चलता हूँ, इस पे 2 ही पीस हैं, बाकी इनको बाद में 1-2 जने और लगेंगे तो फिर पहुंचाएंगे घर पे। दोस्तों, हम लोगों को ऐसा ही होता है, पैसे का अभाव रहता है, इतना पैसा होता नहीं है कि एकदम से बहुत सारा मटेरियल मंगवा दें। धीरे धीरे मेहनत करके, धीरे धीरे पाई पाई जोड़ के ऐसे काम करना पड़ता है। और फिलहाल तो मैंने इतनी सरिया मंगवा दी हैं, थोड़ी बहुत सरिया और मंगवानी है, फिर जाके घर पर काम करवाना है। तो बहुत समय भी लग जाता है हम लोगों का, पैसा भी लगता है, पैसा उतना होता नहीं है, धीरे धीरे इसी तरह करना होता है। तो बंडल तो यहाँ से लेके चलता हूँ, बाकी देखते हैं दिन में तक धीरे धीरे सभी पहुँचा देंगे घर पे। तो फाइनली दोस्तों, 1 बंडल तो हम ले आए, हरीश भैया आ गए मेरी मदद करने के लिए। 1 बंडल हम लेके आ गए हैं, 1 बंडल आधे रास्ते में पहुँचा दिया है, 1 बंडल वहीं रोड पर ही है। अब धीरे धीरे ऐसे ही पहुँचाना होगा घर पर, संकरी रास्ते हैं तो थोड़ा सा मेहनत लगती है क्योंकि सरिया थोड़ा झोल मारती है।
धीरे धीरे ऐसे ही पहुंचाएंगे घर पे। तो फ्रेंड एक बंडल तो हमने घर पे पहुंचा दिया है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि जिस तरीके से सरियाबादी हुई थी और रास्ते भी काफ़ी संकरी हैं तो काफ़ी दिक्कत होगी। वेट उतना नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो बाधा ढंग से नहीं था सरिया को, उस वजह से थोड़ा सा मशक्कत लगी। तो एक बंडल पहुंचा दिया है घर पे, एक बंडल आधे रास्ते में लाए हुए हैं उसको भी ले आते हैं, फिर फाइनल का एक बंडल रह जाता है उसको बाद में दिन में लेके आएंगे। पसीना भी हो गया है, देख रहे हैं हालत इस तरीके की होती है हमारे पहाड़ों में। हार्ड वर्किंग और मेहनत तो करनी ही होती है। अब रोड सुविधा है नहीं, क्या कर सकते हैं, रोड काफ़ी दूर है, 20-25 मिनट लगता है रोड से कुछ भी सामान घर में पहुँचाने में, तो लागत बहुत लगती है दोस्तों हमारे यहाँ पर। तो फ्रेंड अभी समय हो रहा है 2:30 PM का और सरियाकारी जो हमारा था रोड से ढोनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ में मदन भाई ने भी मेरी हेल्प करी, तो अब जाके सारी जितनी भी सरियाएँ थी घर पे पहुंच गई हैं। अभी फ़िलहाल एप्पल खा रहा हूँ, अब निकलते हैं कसैली मार्केट को, कुछ और काम है उनको देखते हैं। थोड़ा आगे चल के मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ जैसे अभी जो दोपहर के समय में बन रहे हैं। मस्त मौसम बना हुआ है और हमारा हार्ड काम था सरिया ढोने का वो कम्प्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए जो अभी नज़ारे आ रहे हैं, जो व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, पूरा आसमान भरा हुआ है क्लाउडों से आसपास में देखिए, और इस तरफ को हल्की सी धूप आ रखी है और ग्रीनरी का तो कोई जवाब नहीं है आजकल। तो दोस्तों अभी है शाम का समय और कसैली मार्केट पे मैं आया हुआ था, अपने काम करके यहाँ से जा रहा हूँ घर की तरफ। नज़ारे काफ़ी औसम आ रहे थे, देखिए व्यूज और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों पहाड़ों पे एक और खूबसूरत शाम होगी है और शाम का मंजर देखिए, खूबसूरत नज़ारे चारों तरफ के। तो आज भी काफ़ी मेहनत भरा हमारा काम रहा, काफ़ी हार्ड वर्किंग आज हम लोगों ने की। और इस खूबसूरत शाम के साथ दोस्तों आपसे लेते हैं ब्लॉग में विदा, आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।